हेलो ड्रीम इलेवन वालों, आज हम फिर से एक नई टीम के साथ आए हुए हैं। सेंट लुसिया टी टाइम ब्लास्ट की मैं टीम बना रहा हूँ। बाकी ये सारी टीम्स को तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं खेल भी नहीं रहा हूँ। ये टी टाइम ब्लास्ट आप जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, फिर भी हम लिख लेते हैं। जैसे कल का एक मैच था, वो बता देता हूँ मैं आपको। मैंने एक ग्रैंड लीग ज्वाइन किया था, 1,25,000 स्पॉट्स थे इसमें, उसमें से मेरा रैंक 3,111 आया है। ऑब्वियसली 26 की एंट्री थी, 50 ही मिले, वो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो ट्राई करते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छी इसमें मेरी टीम ने परफॉर्म किया था। मेरे दो प्लेयर्स सिर्फ नहीं चले, नीचे के दो बॉलर हैं जे एडमंड सी एंड, ये दो अगर चल जाते तो मेरी टीम की शायद रैंक और ज़्यादा अच्छी होती। वेल, आज की टीम का देखते हैं हम लोग। जैसे सेंट लूसिया टिटन ब्लास्ट का पहला मैच है CCP वर्सेस MRS, तो इसकी मैंने एक टीम बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे हम जाते हैं तो विकेट कीपर में मैंने तीनों को चूज़ किया है। मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों, क्योंकि जे सिमेंस और जे हेनरी ये दो CCP के दोनों ऑलराउंडर्स है। जे सिमेंस विकेट कीपिंग करेगा, जे हेनरी ओपन आएगा। जे हेनरी को लेने का मेरा रीज़न है क्योंकि इसे सिर्फ 20% लोगों ने किया हुआ है, चूज़ किया, और ये ओपन आएगा और ये बैटिंग में अगर परफॉर्म कर जाता है तो हमारी रैंकिंग सिर्फ इसके वजह से भी बहुत ऊपर जा सकती है। CMNUL, इसने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोनों मैच में इसको, और ये ओपन भी आता है, सारी टीम वाले इसे लेंगे भी। 94.63% इसको लोगों ने लिया है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये तीनों विकेट कीपर हमारी चॉइसेस है। देन उसके बाद हमने जे हेनरी के वजह से हमने ये एक मेजर प्लेयर को छोड़ा है, एस चार्ल्स, ठीक है। इसे इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है दोनों मैच में, उसे 88% लोगों ने ऑलमोस्ट लिया हुआ है, ठीक है। और ये अगर परफॉर्म नहीं करता है और जे हेनरी परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली हमारी टीम बहुत ऊपर जाएगी। उसके बाद एस डेस्कार्टिस को हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसे सिर्फ 3.47% लोगों ने चूज़ किया अपने टीम में। ये बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है। आई डोंट नो बाकी के लोगों ने सिर्फ इसके पॉइंट्स देख के क्यों नहीं लिया है, अदरवाइज़ ये बहुत पोटेंशियल है इस प्लेयर में। ये बॉलिंग में भी हमारे हमें पॉइंट्स दिला सकता है, बैटिंग में भी दिला सकता है। उसके बाद हमने के गैस्टन इसको भी नहीं लिया है, ये भी बहुत सारे लोगों ने इसे लिया हुआ है, मगर इसकी बैटिंग काफ़ी नीचे आती है। सिर्फ एक ही मैच में इसने 134 पॉइंट लिया हुआ है, उसी की वजह से लोगों ने इसे चूज़ कर लिया है, अदरवाइज़ मैंने छोड़ा है इसे। मैंने ये तीन प्लेयर्स को लेना ज़्यादा ज़रूरी समझा, वी स्मिथ, एम वेल्स और डी अलेक्जेंडर, क्योंकि तीनों के तीनों बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, और इनकी बैटिंग पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जैसे अलेक्जेंडर 1 डाउन आएगा, वी स्मिथ 3 डाउन आता है, एम वेल्स 2 डाउन आता है, तो इनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही हमें पॉइंट्स मिलेंगे, इसलिए मैंने ये चारों बैट्समैन को चूज़ किया हुआ है। ऑलराउंडर सिर्फ एक ही मैंने लिया हुआ है, बाकी के मुझे उतने ज़्यादा पोटेंशियल दिखा नहीं, तो मैंने सिर्फ चार्ली को लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने तीन प्योर बॉलर लिया हुआ है, के ऑगस्टिन, बी बेस, ए सिमंस, तीनों भी प्योर बॉलर है, पूरे दो ओवर करेंगे, और इनके अलावा मुझे और कोई चॉइसेस लगी नहीं बॉलिंग में। एक बार टीम प्रीव्यू में आपको बता देता हूँ, मैंने वाइस कैप्टन जे सिमंस को रखा है और डी अलेक्जेंडर को मैंने कैप्टन बनाया है। मैंने तीन विकेट कीपर, चार प्योर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, तीन प्योर बॉलर्स को लिया हुआ है। अब मैं बता देता हूँ क्यों मैंने वाइस कैप्टन और कैप्टन ये चूज़ किया, क्योंकि अगर हम जे सिमंस को देखें तो सिर्फ 1.58% लोगों ने इसे कैप्टन बनाया और वाइस कैप्टन बनाया, कैप्टन 1.2% लोगों ने बनाया हुआ है। और डी अलेक्जेंडर 5.63% लोगों ने कैप्टन बनाया है, और इसको मैंने इसलिए कैप्टन बनाया क्योंकि ये 1 डाउन बैटिंग करने आएगा, ऑब्वियसली बैटिंग में पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 ओवर पूरे ही डालेगा तो बॉलिंग में भी मिलने के चांसेस है, तो इसलिए मैंने एक साइड से सेफेस्ट चला है, मगर इसको कैप्टन काफ़ी कम लोगों ने बनाया हुआ है। और सबसे ज़्यादा कैप्टन जो बनाया वो चार्ल्स था, जिसको हमने लिया नहीं है क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो अगर वो नहीं चलता है तो हमारी टीम डेफिनेटली बहुत अच्छे परफॉर्म करेगी, अगर वो चल गया तो फिर हमारी टीम कहीं पर भी नहीं रहेगी। तो ग्रैंड लीग अगर हम खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने ये रिस्क लिया हुआ है, और मैं बिलीव करता हूँ एक ही टीम बनाने में, बाकी लोग जैसा नहीं कि 10-10, 11-11 टीमें बना दिए पूरी डाल दिए। मैं एक टीम बनाता हूँ, उसी पे मैं अपना लक आजमाता हूँ। तो ये मेरी टीम है, मैंने ग्रैंड लीग ज्वाइन कर ली है 39 वाली जो है। अब लेट्स सी, भगवान पे छोड़ देते हैं क्या होता है। चलो आज के लिए इतना ही, दूसरी मैच जो है उसका भी टीम बना के मैं डालने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो।
चलो बाय बाय।